हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिव यादव और मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। और मैं अब बात करूँ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो मैं एमसीए किया हुआ हूँ। अभी फ़िलहाल में मैं एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ इन हैदराबाद। अगर पैशन है तो मुझे लगता है कि टाइम निकल ही जाता है, अगर पैशन नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं होता। ऑलमोस्ट मैं तैयारी कर रहा था, जैन से तैयारी कर रहा था, क्योंकि मेरा एक सीनियर था, लास्ट ईयर था वो, तो मैं उससे हेल्प लेता था कि मतलब क्या करना क्या नहीं करना। तो 6 मंथ लग गए तैयारी में। क्या ट्रेनिंग तो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि मुझे इतना कुछ वो जानना नहीं था, मतलब क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता था, क्योंकि मैं अपने सारी चीज़ें अपने सीनियर से पूछ चुका था, तो मुझे कोई डाउट ही नहीं था कि ट्रेनिंग कैसा है क्या नहीं। मुझे मालूम था मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से बेस्ट सीख कर जाऊँगा चाहे जो भी हो। तो मैं फिनाले के लिए एक्साइटेड हूँ। एक बार जॉन अब्राहम जब फर्स्ट टाइम पे आया था, तो उस टाइम पे मैंने जॉन अब्राहम को देखा था, तो मुझे लगा था कि अगर जॉन अब्राहम कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जॉन अब्राहम की बॉडी और मेरी बॉडी मतलब वैसी ही दिखती थी। सो दैट मैं वहाँ से मॉडलिंग में एंट्री किया। मेरा नेक्स्ट प्लान है अभी भोजपुरी मूवी में एज ए विलन जाने का, तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, सो होप सो कि 2-3 महीने और लगेंगे, तो एज ए विलन मैं एंट्री कर रहा हूँ भोजपुरी मूवी का। हीरो में मैं फिट नहीं होता हूँ, मुझे लगता है कि विलेन करेक्टर बहुत मतलब अंदर से निकलते हो, क्योंकि हर आदमी के अंदर वो विलेन वाले होता ही है। सो मुझे लगता है कि मैं उसमें ज़्यादा फिट होता हूँ। हॉबीज में बाइक राइडिंग करता हूँ, अगर खाली हूँ, मुझे मालूम है कि 3-4 घंटे मेरे पास है, तो मैं बाइक स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे पास एक रॉयल इनफील्ड है, उसको स्टार्ट कर देता हूँ। चलो फिर तेलुगु इंडस्ट्री में ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि तेलुगु और भोजपुरी एक साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अगर भोजपुरी में एंट्री ले लूँगा तो तेलुगु में मुझे बहुत आसान हो जाएगा, या फिर तेलुगु में ले लूँगा तो भोजपुरी में। तो ऑलरेडी मेरे मतलब जो सीनियर मैं जिसको बोल रहा हूँ अनिल राठौर, ऑलरेडी वो तेलुगु में मूवी में काम कर रहा, तो मेरे लिए वो आसान है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मतलब उस अगर उसका कुछ रेफरेंस हुआ तो मेरा हो ही जाएगा। मिर्च मसाला देखना तो सास बहू बेटियाँ देखो।